हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये हार्ट शेप कुशन कवर का डिजाइन बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। हार्ट शेप कुशन कवर बनाना शुरू करते हैं। तो कुशन कवर बनाने के लिए ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। ये मैंने दो कलर से बनाना है। जैसे ये कपड़ा हमारा यहाँ से 10 इंच है और ये भी 10 इंच है। 10 बाई 10 इंच का ये कपड़े का ब्लॉक है और ये कपड़े के 4 पीस हैं। ये हमारे 2.5 इंच हैं और यहाँ से भी 2.5 इंच है। ये कपड़ा इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड कर लिया और यहाँ सेंटर से कट कर लेना है। हिलना नहीं चाहिए, एकदम बराबर कटिंग होनी चाहिए हमारी। फिर से फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड किया और यहाँ से भी कट कर दिया, तो ये हमारे 5x5 के 4 पीस बन गए। उसके बाद ये 2 पीस हैं हमारे, ये भी हमारे 5x5 के हैं, इसी साइज के। ये पीस रेडी करेंगे दोनों। तो जैसे ये है, इसे हमें इस तरह से खोल लेना है और ये पीस इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, दोनों ऐसे लगा दिए। ये मैं ऐसे रख लूँगी, इस पे क्या निशान हमारा अच्छे से दिखेगा। अब जैसे इस तरह से हमें ये कॉर्नर से एक लाइन लगा लेनी है, निशान लग गया। इसके बाद हमें 1/2 इंच जैसे सिलाई के लिए रखते हैं उतना हम रखेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन लगा देंगे। ये निशान लग गया है। अब जैसे ये हमारा ये है हमारा एक कॉर्नर से यहाँ तक, यहाँ पे सिलाई आएगी और ये सिलाई आएगी, सिलाई हमारी ये लगी है। अब जैसे ये दूसरी लाइन है हमारी, यहाँ से हमें कट कर लेना है इस तरह से। ये दूसरा पीस भी ऐसे कट कर लेंगे। दोनों पीस कट हो गए हैं। अब जैसे ये पीस है, इसे हमें जैसे फेंकना नहीं है, इसका हमारा छोटा बन सकता है जैसे इस तरह से, तो दूसरा डिजाइन हम बना सकते हैं इसका। ये पीस हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है दोनों पीसेस पे। प्रेस हम इस तरह से करेंगे, पहले हमें इस तरह से ऐसे कर लेना है और फिर हम इस तरह से करेंगे, तो हमारी सिलाई एक तरफ को रहती है। ये 2 पीस हमारे बन गए हैं। अब जैसे ये 2 पीस हैं, इन्हें भी हमें रेडी करना है। ये पीस हैं, ये छोटे पीस हैं, इसे हमें इस तरह से ये कॉर्नर है यहाँ पे लगाना है और ये हम यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे ये पीस मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। अब जैसे ये है, ये हमारा इस साइड को आएगा इस तरह से, ये ध्यान रखना है। ऐसे हमें लाइन लगानी है, ये लाइन लग गई। अब ये पार्ट है, इसकी लाइन भी हमारी इस तरह से लगेगी, ऐसे लगा देंगे। ये मार्किंग होगी इस तरह से। अब हमें जैसे मार्किंग की है वैसे ही सिलाई लगा देनी है दोनों पीसीस पे। सिलाई मैंने लगा दी है। अब जैसे ये पीस है तो 1/2 इंच तक हम छोड़ देंगे और बाकी हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, दूसरी साइड में भी ऐसे कट कर लेंगे। ये कटिंग होगी हमारी। अब जैसे इस तरह से पीस को ऐसे करना है और इस तरह से करेंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। प्रेस मैंने कर दी है। अब जैसे यहाँ से हमारा अगर कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इसे हमें इस तरह से बराबर कर लेना है कट करके सभी तरफ से। ये दोनों पीस रेडी हो गए। ये पीस हम इस तरह से ऐसे रखेंगे और ये 2 पीस रेडी किए थे पहले मैंने, ये हम इस तरह से ऐसे रखेंगे और ये पीस है, इसे भी हमें इस तरह से ऐसे लगा देना है। ये देखिए हमारा हार्ट बन गया। पीस हमारे सेट हो गए हैं। अब इन्हें हमें सिलना है। जैसे ये 2 पीस हैं ऐसे सिलेंगे और ये 2 पीस इस तरह से सिलेंगे। ये ध्यान रखना है, ये हमारे जो पार्ट हैं वाइट वाले, ये एकदम बराबर आने चाहिए सिलते टाइम हमारे। सिलाई हमारी लग गई है। अब जैसे ये पार्ट है, इस तरह से हमें ऐसे रखना है और ये पार्ट है ऐसे खोलेंगे। अब यहाँ से हमें सिलना है, जैसे ऐसे रखेंगे हम और ये सिलाइयों को बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब जैसे इस तरह से हमें खोलना है और ये कपड़ा है जैसे सिलाई वाला, इसे खोल के यहाँ पे ऐसे प्रेस करनी है हमें। यहाँ पे क्या है, जो भी हम जब भी हम सिलाई लगाएंगे कपड़े में, तो हमें आयरन करनी ही है,
जिससे हमारी एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगी। आयरन करने के बाद हमारा ये डिजाइन इस तरह से बना है। देखिए हमारा हार्ट शेप का डिजाइन बन गया है। जैसे हमारा जैसे थोड़ा सा ऐसे कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इसे हमें बराबर कर लेना है इस तरह से काट के। ये पीस हमारा इस मेजरमेंट में बना है, जैसे 9.5 इंच बना है इस साइड से भी। अब इस डिजाइन को हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए जैसे इस कलर का मैंने ये पट्टी ली है, ये हमारी 2 इंच है। ज्यादा बड़ा करना है तो 2.5 या 3 इंच भी आप ले सकते हैं। तो जैसे इस तरह से ये स्ट्रिप्स हम ऐसे लगाएंगे और एक इस साइड लगाएंगे और इसे हमें सिल देना है यहाँ पर, और ये हम यहाँ पे सिलेंगे। दोनों साइड में हमारी स्ट्रिप्स लग गई है। अब जैसे इस साइड में हमें लगानी है जितना हमारा यहाँ से है, और इस साइड में लगाएंगे। ये दोनों साइड में मैंने स्ट्रिप्स लगा दी है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से स्ट्रिप्स को रखना है, ये दोनों को रखा और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। चारों ओर हमारी ये पट्टी लग गई है। अब डिजाइन हमारा इस तरह से बना है। अब ये मेजरमेंट में हो गया है 12.5 इंच हो गया है। यहाँ से भी हमारा ये 12.5 इंच हो गया है। तो 12x12 का ये हमारा कुशन कवर आराम से बन जाएगा। अगर जैसे आपको पिल्लो कवर बनाना है, तो जैसे ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है, तो इस तरह से एक और ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे इसी तरह का बना के। उसके बाद हमें ये पट्टियां लगानी है अपने पिल्लो कवर के हिसाब से, जितना हमारा बड़ा है। तो हमारा पिल्लो कवर भी बन जाएगा इस डिजाइन से। और अगर आपको जैसे इस डिजाइन से बेडशीट बनानी है, तो जैसे इस तरह का ये ब्लॉक बना लें और आगे आगे इस तरह पट्टी देके ज्वाइन करते जाएं, तो ये हमारी एक बेडशीट बहुत ही प्यारी बेडशीट बनके रेडी हो जाएगी। हमारा 12x12 का कुशन कवर बनेगा। तो कुशन कवर अगर आपको बनाना सीखना है, तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, जिप वाला भी और बिना जिप के भी। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।